हेलो स्टूडेंट्स, अब एनएलएम को आगे बढ़ाएंगे। एनएलएम के चार पार्ट आ चुके हैं, ये पांचवा पार्ट है जिसमें हम पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में लाएंगे। ठीक है, तो पुली ब्लॉक सिस्टम को हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये रिजिड सपोर्ट है और ये सपोर्ट के यहाँ पे ऐसे पुली रखी हुई है। पुली के एक साइड यहाँ पे 10 किलोग्राम का मास लगाया है और यहां से ये रस्सी घूम के ऐसे आ रही है और यहाँ पे मैंने 100 न्यूटन कुछ फोर्स लगा दिया है। ठीक है, आपको ऐसा बोला गया है कि फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ 10 किलोग्राम ब्लॉक। ये 10 किलोग्राम ब्लॉक है, उसका एक्सिलरेशन कितना वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका पहले एफबीडी बना दो। सीधी सिंपल सी बात, एफबीडी बनाने के लिए भाई ये ले लिया 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक। चलो ये 10 किलोग्राम ब्लॉक ले लिया। अच्छा, यहां पे कितना लग रहा है आपका? 100 न्यूटन। ये रस्सी पे 100 न्यूटन, तो एक ही रस्सी है ये, देखो। तो यहां पे भी ये कितना लगेगा? 100 न्यूटन। ठीक है, यहां पे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg, mg यानी 10 × g, g यानी 9.8 लेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है g लेना है आपको 9.8। क्लियर? तो ये 9.8 यानी कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन। तो इसका एफबीडी बनाओगे तो यहां पे 10 है तो यहां पे कितना हो जाएगा रे? 100 न्यूटन। और नीचे ये कितना हो जाएगा आपका? 98 न्यूटन। अच्छा, आप इसे पुल करोगे तो ये ब्लॉक कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कहां पे है? ऊपर। तो मैंने यहां पे ये लिखा ऊपर उसका एक्सेलरेशन ए, बराबर। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, एफपीडी का इक्वेशन बनाते हैं जैसे हमने ब्लॉक में बनाया था। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? ये मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 10a इज इक्वल्स टू ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स। तो 100 माइनस 98, तो 10a इज इक्वल्स टू 100 माइनस 98 यानी बना 2, a इज इक्वल्स टू 2/10 यानी एक्सेलरेशन बना आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिंपल सा सम था, बेसिक सम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उसके आगे और एक सम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये उतार लेना, वीडियो को पॉज करके आप ये उतार सकते हो, पहले ये लिख लेना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, दूसरे सम में आपको ऐसा बोला गया है कि एक पुली है पुली के यहां पे एक ब्लॉक है और दूसरी साइड और एक पुली है और वो पुली में दो ब्लॉक है। ये एक और ये दूसरा। ठीक है, अब इसका मास आपको बोल दिया है 10 किलोग्राम, इसका मास आपको बोल दिया है कुछ 2 किलोग्राम, इसका 4 किलोग्राम। आपको ऐसा पूछा गया है फाइंड टेंसाइल इन इच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन इच स्ट्रिंग, और दूसरा आपको ऐसा बोला गया है फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ इच ब्लॉक, फाइंड एक्सिलरेशन इन ऑफ इच ब्लॉक। ठीक है, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है वो भी फाइंड करना है। तो पहले यहां से ही समझेंगे कि सपोज ये 10 किलोग्राम जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो एक्सेलरेशन मैं ले लेता हूं A1। 2 किलोग्राम ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में A2 ले लेता हूं, और 4 किलोग्राम ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैं ले लेता हूं A3।
अच्छा आप यहाँ पे ऐसा सपोज नहीं कर सकते कि इसका एक्सेलरेशन ए है तो ये दोनों का एक्सेलरेशन ए वन है तो ये दोनों का एक्सेलरेशन भी ए वन यही डायरेक्शन में होगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते क्योंकि यहां से ये दोनों ब्लॉक कोई और पुली पे है। हाँ आप ऐसा सपोज कर सकते हो कि ये पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन ए वन है, आप ऐसा सपोज कर सकते हो ठीक है। यानी आप ऐसा नहीं ले सकते कि ये ए वन है तो ये दोनों का भी ए वन ए वन ऐसा ही होगा। अच्छा एक दूसरी बात कि ये सर ये नीचे जा रहा है तो ये दोनों ब्लॉक ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे, ऐसा सोचना भी गलत बात है ठीक है। ये कहीं पे भी जा सकते, ये ऊपर आ रहा है तो ये नीचे भी जा सकते क्योंकि ये दोनों कोई और पुली पे है, ये वाली पुली पे नहीं है इसीलिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन ए टू तो इसका कितना हो जाएगा ए थ्री, सबका अलग अलग एक्सेलरेशन होगा ओके। अब बात आ रही है टेंसाइल की कि भाई स्ट्रिंग में टेंसाइल कितना प्रोड्यूस होगा। तो पहले कभी भी ऐसे समय आए तो छोटी पुली से स्टार्ट करो, तो यहां पे छोटी पुली यानी ये वाली, इसमें टेंसाइल सपोज टी तो हर जगह पे टी 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 टी, तो यहां पे भी टेंसाइल कितना है टी, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अभी ऐसा सपोज करते हैं ठीक है, अगर यहां पे टेंसाइल टी है तो ये स्ट्रिंग का टी और ये वाली स्ट्रिंग का टी मिला के यहां पे कितना हो जाएगा टू टी हो जाएगा, यहां पे टू टी तो यहां पे भी कितना होगा टू टी हो जाएगा। बोलो क्लियर हो ओके। आगे बढ़ते हैं, ये 10 है तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना होगा 100 न्यूटन, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना होगा 20 न्यूटन, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना होगा 40 न्यूटन। बोलो क्लियर हो। अच्छा अब सबका पहले एक्सेलरेशन कैसे कंपेयर करते हैं वो सिखाता हूं, ध्यान देना। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दो तीन मेथड है लेकिन मैं आपको आज शॉर्ट ट्रिक दूंगा बराबर है, वो मेथड से आप तुरंत ही किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। मैं आपको दो शॉर्ट ट्रिक दूंगा, एक ये वाले सब में देता हूं और इसके बाद वाले सब में देता हूं, दोनों याद रखना कोई भी मेथड आप कर सकते हो ठीक है। अच्छा ये वाले सब में हम कुछ इस तरह एक फॉर्मूला याद रखो कि समेशन ऑफ टेंसाइल इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। टेंसाइल डॉट ए यानी टेंसाइल और ए का डॉट प्रोडक्ट, एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो आता है, ये फॉर्मूला याद रखो। इसके ऊपर से हम इसका एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करेंगे कि भाई ए वन कितना है, ए टू या ए थ्री से डबल है या दोनों का समेशन जितना है या एवरेज है, पता नहीं हमें क्या आएगा ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं कि जैसे पहले 10 किलोग्राम ब्लॉक लेता हूं तो 10 किलोग्राम ब्लॉक में उसका टेंसाइल देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रिंग में टेंसाइल अपवर्ड है दिख रहा है क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आएगा तो टेंसाइल अपवर्ड होगा, तो टेंसाइल इसमें ऐसे अपवर्ड है 2t और एक्सिलरेशन नीचे की डायरेक्शन में ऐसे a1, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री होगा तो cos, ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा cos थीटा, तो cos 180 कितना होगा माइनस वन होगा, यानी ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या लेना है माइनस लेना है बराबर। डिटेल में देखते हैं कि पहला 10 किलोग्राम ब्लॉक की बात करें, 10 किलोग्राम ब्लॉक में टेंसाइल तो बोले 2t ठीक है, एक्सिलरेशन तो हम बोलेंगे a1, डॉट प्रोडक्ट है तो आएगा cos थीटा और वो थीटा आएगा 180 डिग्री प्लस, चलो ये इसका तो हो गया। अब जाते हैं 2 किलोग्राम पे, 2 किलोग्राम में टेंसाइल अपवर्ड, एक्सिलरेशन अपवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना बनेगा जीरो, तो यहां पे लिखूंगा टी ए वन कॉस जीरो ठीक है प्लस। अब इसका देखो 4 किलोग्राम का टेंसाइल है अपवर्ड, एक्सेलरेशन भी अपवर्ड, यानी ये हो जाएगा टी ए थ्री कॉस जीरो इक्वल्स टू ए जीरो। क्लियर, कैलकुलेशन देखो कॉस 180 यानी माइनस ये 2t a1 प्लस t a1 प्लस t a3 इज इक्वल्स टू जीरो।
ये बन गया ए वन प्लस ए टू इज इक्वल्स टू टू ए वन, यानी रिलेशन सॉरी ए टू आ जाएगा यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन ए टू है ना, तो ये ए टू हो जाएगा, ये भी ए टू, ये हो गया हमारा ए टू और ये वाला ए थ्री, टू ए वन इस साइड चला गया टू ए वन, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। कभी भी पुली वाले सम्स आए, दो पुली हो तीन पुली हो, पहले आपको अलग अलग ब्लॉक हो तो एक्सेलरेशन अगर अलग अलग है तो एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल दो पहले, फिर हम ये तीनों पे सिंपल सा इक्वेशन लगाएंगे, ये तीनों का, इसका एफबीडी, इसका एफबीडी और इसका एफबीडी, जो भी इक्वेशन मिलेगी उसको अंदर अंदर सॉल्व करते रहो, आपको सारे आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं 10 किलोग्राम अब बराबर, चलो तो 10 किलोग्राम में, 10 किलोग्राम इधर देखो, 10 किलोग्राम पे कितना लग रहा है 2t, ये रहा 2t, ये 10 किलोग्राम, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया a1, और यहां पे कितना हो गया ये 100, ठीक है। तो इसका इक्वेशन बनाते हैं, कितना बनेगा 10 a1 इज इक्वल्स टू ज्यादा फोर्स, अच्छा ये इसका एक्सेलरेशन कहां पे डाउन किया, डाउन है, डाउन है, इसीलिए ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो ज्यादा माइनस कम, ये 10a1 इज इक्वल टू 100 माइनस 2t। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरा ब्लॉक ले लेते हैं हमारा 2 किलोग्राम वाला, तो भाई 2 किलोग्राम उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ओनली टी, और ये ए टू अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बना हमारा 2a2 इज इक्वल्स टू ज्यादा, ये ऊपर जा रहा है तो ज्यादा कौन सा होगा टेंसाइल, तो टी माइनस 20 न्यूटन, ठीक है। फिर तीसरा ले लेते हम लोग, ये 4 किलोग्राम, चलो 4 किलोग्राम में ऊपर कौन सा आएगा टेंसाइल टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा 40, एक्सेलरेशन कहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में a3, इसका इक्वेशन बनाओ क्या बनेगा 4a3 इज इक्वल्स टू ज्यादा माइनस ये वाला कम, ठीक है। अच्छा यहां पे ध्यान दो, आपको कितने इक्वेशन मिले, तो भाई हमें 4 इक्वेशन मिले, पहला ये वाला इक्वेशन नंबर 1, फिर ये वाला इक्वेशन 2, फिर ये वाला इक्वेशन 3, और ये वाला हमारा इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 सब में वैल्यूज रखते रहो, आपको टेंसाइल भी मिल जाएगा, आपको a1 भी मिलेगा, a2 भी मिलेगा और a3 भी मिलेगा। सिंपल आपको एलिमिनेशन मेथड वगैरह आप कर सकते हो, एक दूसरे के वैल्यू पुट करो, इजीली आप टी ए वन ए टू ए थ्री फाइंड कर सकते हो। टी यानी टेंसाइल, टू टी यानी टेंसाइल इन 10 किलोग्राम, ए वन यानी एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोग्राम, ए टू यानी एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम, ए थ्री यानी एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम, ठीक है। तो पहले तो आपको कोई भी पुली होती है उसके इक्वेशन बनाने आने चाहिए, अगर आप इक्वेशन बना सकते हो तो आपको फिर फाइनली एलिमिनेशन मेथड वगैरह करके आप टेंसाइल एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और एक आगे जाते हैं, दूसरा सम ले लेते हैं, चलो हमें सिस्टम ऐसा कुछ दे दिया है, ये पुली है, यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहां से ऐसे रस्सी जा रही है, और यहां पे दूसरी पुली, यहां पे रिजिड सपोर्ट है, ऐसे
और यहां पे हमारा ब्लॉक है, ठीक है। आपको बोला गया है ये है कुछ M1, ये है M2, बराबर, ये M1 है, ये M2 है, और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, यानी दोनों ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, मस्त समय। यहां पे एक्सेलरेशन फाइंड करने का, एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो दूसरी पुली पे, और ये वाला जो ब्लॉक है वो एक पुली पे, अलग पुली पे। अगर दोनों अलग अलग पुली पे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन पहले आपको अलग अलग सोचना पड़ेगा। सपोज इसका एक्सेलरेशन है ए वन, और इसका एक्सेलरेशन मैं ले लेता हूं ए टू। इसका एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, ये कहां पे डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से सपोज करेंगे कि सपोज इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए टू है। सर अगर गलती से ऊपर सोच लिया तो, ये ए टू नीचे सोचा है ना, अगर ऊपर सोचा तो कुछ नहीं, आंसर माइनस आएगा। अगर माइनस आ रहा है तो वो माइनस हमें ये बता रहा है कि भाई तूने जो आंसर सपोज, तूने जो डायरेक्शन ए टू का सपोज किया था वो गलत है, उससे उल्टा दे, बस इतना ही बोलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो माइनस आए तो उसके घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन उल्टा ले लो, बराबर। सपोज यहां पे मैंने इस ए टू अपर डायरेक्शन में सपोज किया है, तो मेरा आंसर माइनस आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ए टू को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दो, आपका आंसर प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पहले ए वन और ए टू का रिलेशन निकालना है। इसके आगे वाले सम में हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने के लिए एक इक्वेशन कौन सा रखा था, समेशन ऑफ टेंसाइल इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, बराबर। यहां पे और एक मेथड सिखाता हूं कि एक्सेलरेशन का रिलेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इट इज कॉल्ड पॉइंट मेथड, कि पॉइंट मेथड से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सपोज आपको क्या करना है, जहां पे भी रस्सी टच होती है ना, वहां पे पॉइंट्स बना दो। जैसे यहां पे ये रस्सी ये मास को टच हुई, यहां पे पॉइंट बनाया, ये एक पॉइंट हो गया, यहां पे टच हो रही है ये दूसरा पॉइंट, फिर यहां पे टच हो रही है तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा और ये छठा। सर ये वाला और ये वाला ये नहीं लेना है, एक ही रस्सी का लेना है आपको, एक ही रस्सी पे सब हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बारी बारी सारे पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यूज आपको रखनी है, क्लियर हो। तो पहले मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन चेक करूंगा। जब मैं ये पॉइंट लेता हूं तो बाकी सारे पॉइंट स्टेडी आपको रखने, ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये आगे जाएगा तो ये नीचे जाएगा, नहीं सोचना है, सिर्फ यही पॉइंट लेना है, बाकी सारे स्टेडी बना दो। ओके चलो, बाकी सारे स्टेडी हो गए। अब इसके बारे में सोचो, इसका एक्सिलरेशन ये डायरेक्शन में, यानी ये ब्लॉक इस साइड जा रहा है, ये सब स्टेडी है, तो ये ब्लॉक इस साइड जाएगा तो ये पॉइंट उसके आगे इस साइड जाएगा। अब पॉइंट आगे जा रहा है यानी ये रस्सी की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जब ये लेंथ कम हो रही है तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस एक्सिलरेशन ए वन। अगर रस्सी की लेंथ कम हो रही है तो आपको माइनस लेना है, अगर रस्सी की लेंथ बढ़ रही है तो आपको प्लस लेना है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट ये ले लो। अब जब मैं ये पॉइंट ले रहा हूं तो बाकी सारे के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। अच्छा ये पॉइंट कहीं पे जा रहा है, कहीं पे नहीं जा रहा है, यहां पे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि पुली कैसी है, स्टेडी है, पुली स्टेडी तो ये पॉइंट भी स्टेडी, तो इसका कोई एक्सिलरेशन नहीं, जीरो। प्लस ये पॉइंट भी यहां पे पड़ा हुआ है क्योंकि पुली स्टेडी है, तो इसका भी एक्सिलरेशन जीरो। फिर यहां पे आ जाओ, अच्छा ये किसका पॉइंट है, तो बोले पुली का पॉइंट है। अब ये पुली का जो पॉइंट है वो ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो ये पुली के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, बराबर। तो ये पॉइंट कहां पे जा रहा है, जहां पे ब्लॉक ले जाएगा वहां पे ये जाएगा, तो ब्लॉक कहां पे ले जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट भी कहां पे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा तो रस्सी की लेंथ बढ़ेगी, ये जो रस्सी है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब लेंथ बढ़ी यानी आपको लेना है प्लस ए टू,
ये पॉइंट के बारे में सोचो, तो ये पॉइंट किसका है, पुली का। कहीं पे जाए पुली कहां पे जाएगी, जहां पे ब्लॉक ले जाएगी। ब्लॉक कहां पे जा रहा है, नीचे। ब्लॉक नीचे गया, पुली नीचे गई, ये पॉइंट भी नीचे गया, ये पॉइंट नीचे जाएगा, तो ये रस्सी की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। रस्सी की लेंथ बढ़ेगी तो प्लस ए टू। अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट तो रिजिड सपोर्ट पे, यानी ये तो स्टेडी है, स्टेडी है, तो उसका एक्सिलरेशन जीरो। समेशन ऑफ एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो, इससे आपको रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए वन ये प्लस टू ए टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, टू ए टू इज इक्वल्स टू ए वन, तो ए टू इज इक्वल्स टू ए वन बाई टू। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, मुझे रिलेशन मिलना चाहिए, फिर वो कोई किसी भी टाइप में मिले, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था एक्सेलरेशन का रिलेशन लाना था, वो हमने फाइंड कर दिया। नाउ सेकेंड पॉइंट, दोनों का एफबीडी बनाओ। आपको ऐसा बोला है फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी ए वन और ए टू का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो एफबीडी बनाएंगे, जैसे एम वन ले लेता हूं, तो ये हो गया एम वन, इसका एक्सेलरेशन ऐसे। अब रस्सी में टेंसाइल देखेंगे, यहां पे टेंसाइल कितना है, टी, यहां पे भी कितना, टी, तो यहां पे भी कितना, टी। एक ही रस्सी में एक ही टेंसाइल होता है, यहां पे हर जगह पे टी टेंसाइल होगा। अच्छा, यहां पे टेंसाइल कितना चेक करो, देखो ये टी और इसमें भी टी, यानी टोटल मिला के यहां पे हो जाएगा टू टी, ठीक है, ओके। तो ये ब्लॉक के लिए टेंसाइल टी उसे आगे ले जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, एम वन ए वन इज इक्वल्स टू टी, बराबर। नाउ ब्लॉक M2, तो ये बना हमारा M2, इसका एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये बना A2, ये हो गया हमारा 2T, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया हमारा, M2G, बराबर। तो अब क्या होगा, इसका इक्वेशन बनाओ क्या बनेगा, एक तो ये बन गया हमारा, अब इसका इक्वेशन बनाओ क्या बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम ए टू यहां पे बना देता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी एम टू ए टू इज इक्वल्स टू ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है तो नीचे जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, तो एम टू जी माइनस टू टी, ठीक है। आगे ये दूसरा इक्वेशन बना, अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, देखो एक तो ये वाला इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, और ये हमारा आया था पहला इक्वेशन, तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आप एक दूसरे में वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो सब लोग, ओके।